के जालौन में बुंदेली खेल की परंपरा आज भी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। टेसू झिंझिया विवाह का खेल बुंदेली संस्कृति को आज भी बनाए हुए है। यह अद्भुत खेल पूरे एक महीने तक कुंवारी कन्याओं द्वारा खेला जाता है। कन्याएं इस खेल को चार चरणों में खेलती हैं, जो भादो मास की पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाता है और शरद पूर्णिमा तक चलता है। शरद पूर्णिमा की रात टेसू झिंझिया का विवाह होने से इस पूर्णिमा को टिसवारी पूनो के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल कुंवारी कन्याओं द्वारा ही खेला जाता है, जिसमें कन्याओं का झुंड भोर सवेरे जागकर पूरे 15 दिन अर्थात कुंवार मास के प्रथम पखवारे तक दीवार पर सूर्य चंद्रमा का गाय के गोबर से चित्र बनाती हैं। जिस स्थान पर गोबर की टिपकियां लगाई जाती हैं, उसी स्थान पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर गोरा की पूजा की जाती है। तीसरे चरण में जिन कन्याओं की शादी हो जाती है, वह स्वटा के बने चित्र की पूजा आदि करती हैं। नवरात्रि की अष्टमी को दीवार पर स्वटा बनाया जाता है, जिसे भौमासुर राक्षस कहा जाता है। इसके बाद शुरू होता है चौथा और अंतिम चरण, जिसमें दशहरा वाले दिन से बच्चे टेसू बनाते हैं और लड़कियां मिट्टी के घिल्लों में दीपक जलाकर झिंझिया बनाती हैं। यह क्रम 5 दिन चलता है। घरों से उन्हें दान स्वरूप अनाज रुपये आदि देकर विदा किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस खेल का अंत टेसू झिंझिया के विवाह के साथ हो जाता है और यह बुंदेली संस्कृति का खेल बुंदेलखंड के अलावा मथुरा वृंदावन में भी खेला जाता है। हमारे यहाँ सुगाटा कई महीनों से सालों से मनाया जा रहा है, इसलिए हम आज भी मनाते हैं और झिंझिया लेकर सारे मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ से नाज मांगते हैं सभी घरों से और अपने यहाँ भंडारा करते हैं, सभी को बुलाते भी हैं और सुगाटा का टेसू से ब्याह भी कराते हैं और झिंझिया भी नचाते हैं।